हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमेंद्र मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो को YouTube सजेशन में कैसे ला सकते हैं और वो सजेशन में क्यों नहीं आता है, क्या दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें और साथ में बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है कि जब आप वगैरह वीडियो अपलोड करते हैं और आप जब देखते हैं कि सर्च में तो आपका वीडियो वहाँ सजेशन में नहीं आता है, तो वो क्या दिक्कत है कि आप जो सजेशन में आपका वीडियो सर्च में नहीं आ रहा है और YouTube सर्च में भी आपका वीडियो वगैरह नहीं आता है जब आप वहाँ से डायरेक्ट सर्च करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, जब आप कोई यूट्यूब चैनल पर अपना कोई एक वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है जब आप वीडियो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जब आप कोई वहाँ पर टाइटल लिख रहे हैं तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सर्चेबल हो। अगर आपने किसी टॉपिक पे बनाया है तो मान लीजिए, अगर YouTube से रिलेटेड आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप वहाँ पर सर्च कर लें कि जो आप YouTube पर वीडियो बनाने जा रहे हैं तो वो सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कीवर्ड आपको वही ऐसे ही यूज़ करना, जो भी वीडियो आप बना रहे हैं तो उसे पहले सर्च कर लें जो भी कीवर्ड है, क्योंकि अगर आप जब वीडियो बनाते हैं तो हमेशा उसी पर बनाएं जो कि आपके सर्च में आते हैं। जैसे कि आपने कोई भी कीवर्ड पे अगर आप बना रहे हैं तो उस कीवर्ड को पहले सर्च कर लें और तभी आप बनाएं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप कोई टाइटल देते हैं तो उसमें टाइटल जैसे कि आपने सर्च कर लेना है। और दूसरी बात, सर्च जो टाइटल होता है थोड़ा सा अभी आप सर्च कर लें, दूसरे उसी टाइटल के बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह होते हैं तो आप उसको टाइटल को देख लें और सेम टू सेम आप उस को कॉपी करके वहाँ पर टाइटल को ना डालें। और उसमें कोई भी टाइटल आप कॉपी करके डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि आपके वीडियो है वो ताकि रैंक में ऊपर आए और हमेशा सर्च में दिखे। दूसरी चीज़ क्या होती है, सब टैगलाइन जो आप में टैगलाइन जो यूज करते हैं तो टैग्स नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप टैग्स नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर जो उससे रिलेटेड वीडियोस हैं उसके नीचे आपका वीडियो नहीं आता है। दूसरी चीज़, आपको हमेशा अपने जो टैग जब डालते हैं तो उस समय आपको अपने चैनल का नाम या चैनल जो भी है तो उसको वहाँ पर आपका नाम ऐड जरूर करना है अपने चैनल का और हमेशा टैग के साथ में उसे रहना है, तभी आपके वीडियो, ये दूसरा टिप्स है जहाँ पर आपको अपने जो वीडियो है वो सजेशन में ला सकते हैं। ऐसे ही जब आप यहाँ पर आप टाइटल और ये दे देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं। जैसे कि आपने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है तो लास्ट में जो आपके लिए जब वीडियो लास्ट में ख़त्म होता है तो लास्ट स्क्रीन पर जहाँ पर आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह आप देखते हैं, कुछ लोगों के वीडियोज़ में वहाँ पर दो तीन तरह के वीडियो ऐड आते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर आपके लिए करेंगे तो आपके जो और भी वीडियो हैं तो देखने वाले डायरेक्ट उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर का वहाँ पर आपको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही आपको जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाए तो हमेशा वीडियो जो आप बना रहे हैं पहले आपको वो देख लेना है कि वो वीडियो का टॉपिक क्या है। हमेशा ट्रेंड वीडियो बनाएं और जो हमेशा लेटेस्ट में रहते हैं या न्यूज़ में रहते हैं ऐसे वीडियोज़ पर आप बनाएं जो कि हमेशा लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो और टाइटल्स वगैरह ऐसे सर्च हमेशा करके डालें और अगर आपको लगता है कि आपको टैग्स वगैरह कैसे कहाँ से मिलेंगे और कैसे कॉपी करेंगे, या तो आप मैनुअल सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं कॉपी करके, या तो आपको मैनुअल लिख सकते हैं। और नहीं आपको अगर आता है, लगता है आपको कोई जैसे वीडियो आपने सर्च किया लगता है आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियो सर्च वगैरह क्या लगाने हैं आपको नहीं पता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी वीडियो आपको लगता है जिस पर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पहले उसे सर्च कर लें और उस वीडियो का आप टाइटल वगैरह देख लें और उसके रिलेटिव कुछ आपको टाइटल रखना है तो उसमें से थोड़ा चेंज कर लें। और उसी वीडियो को आपको जब शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उसका लिंक कॉपी कर लें और आपको प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको उस URL का आपको वहाँ पर जो टैग्स वगैरह लगे हैं वो दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको इस तरह से ही आप वहाँ से जब आप सर्च में करेंगे तो वहाँ पर आपको टैग्स वगैरह मिल जाएंगे और उन टैग्स को आपको लगा देना है पेस्ट करके और इसी तरह से ही आपका वीडियो वगैरह है सजेशन में आएगा। ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं आप जिसे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड, हमेशा आपको जो भी आप वीडियो बनाते हैं और उसका थम्स आपको ऐसा रखना है ताकि जो कि आपका वीडियो वगैरह देखे उससे पहले आपको जो थम्स है वही आपके वीडियो पर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो देखने वाला
देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि थम्स आपका जब अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी देखने वीडियो देखने वाला उस पर आपको क्लिक नहीं करेगा, और इसलिए आपका वीडियो रैंक में जल्दी नहीं आ पाती है और व्यूज़ अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही टिप्स का फॉलो करना है, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें से ही आपका वीडियो इन रैंक में आने के चांस रहते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो जो वीडियो देखने वाले होते हैं वो क्या होता है कि अरे थम्स अच्छा नहीं, अरे शायद कुछ मतलब यहाँ पर कुछ अगर आपने कोई टाइटल लिखा है तो बहुत छोटा छोटा लिख दिया है, और वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई थम्स देखता है तो उस समय दिखाई नहीं देता है। तो आप जब भी थम्स बनाते हैं तो वहाँ पर जो टाइटल लिखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा लिखें, और आप जो क्लियर लिखें जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं। अगर आपने कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आपने किसी और टाइटल डाल दिया है कि आप वीडियो किसी टॉपिक और पे बना रहे हैं और आपने लिखा कुछ और है, तो ऐसे में क्या होता है जो वीडियो देखने वाला होता है तो उसको लगता है अरे यहाँ पर आपने जो भी वीडियोज़ वगैरह डाले हैं तो यहाँ पर आप फर्जी वगैरह आप लिख कुछ रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं। तो इन चीज़ों में ऐसे ही दिक्कत होती है और आपकी वीडियो की जो रैंक है वो रुक जाती है और आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो फ्रेंड ऐसा आप ना करें, आपको जो भी थम्स वगैरह लगा रहे हैं तो वो सही से बना लें। अगर आपको नहीं पता है कि थम्स कैसे बनाना है तो आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और आप वहाँ से देख पाएंगे कि आपको किस तरह से आपको लगता है कि मैनुअल बनाना है या आपको रेडीमेड बनाना है, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली सीख सकते हैं आपको कैसे बनाना है। ऐसे ही आपको थम्स के अलावा जो यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, उसको हमेशा सही से लिखें और बहुत लंबा ना लिखें, ऐसा लिखें ताकि आसानी से समझ में आए। और दूसरी चीज़ जो आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिखते हैं उसमें आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जिससे कि अगला बंदा वहाँ पर जब पढ़ता है उसको तो आपको उसके जो वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन है सही मिले। तो वहाँ पर अगर आप कुछ अच्छे वीडियोज़ हैं वहाँ पर लिंक्स वगैरह दे सकते हैं अपने, ताकि जो भी आपका वीडियोज़ वगैरह देख रहा है ताकि और वीडियोज़ देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में चेक करके आपके साइट पर वगैरह पर और भी आपके अच्छे वीडियो देख सकता है। और ठीक है, और इस तरह से ही आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे आप सीखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से अच्छा बनाएं। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जैसे कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर एक क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्या होता है कि अगर हम वीडियो कोई अपलोड कर रहे हैं तो ऐसा वीडियो ना अपलोड करें जो कि आपने जैसे बहुत सी हल्की क्वालिटी में उसको 3GB वगैरह में कर दिया। तो वीडियो क्वालिटी क्या होता है ना, जो सामने वाला वीडियो देखता है तो उसके लिए वीडियो क्वालिटी अच्छी होने से ही वो आपके वीडियो को की तरफ मतलब आकर्षित होता है, और वहाँ पर आपके अच्छे वीडियो की क्वालिटी मिलने से वो बार बार आपको वीडियो देखता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम से कहीं वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे लगता है यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी होती है और आप अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं, तो वो आपके वीडियोज़ को लगातार देखेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही मैंने बहुत सारी आपको टिप्स बता दी हैं, फिर भी आप इनको फॉलो कीजिए। अगर ऐसा कुछ नया हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।